अंग्रेजी समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, अर्णब गोस्वामी को एक और झटका लगा है। केरल के लोगों को कथित तौर पर अपमानित करने से संबंधित एक मामले में कन्नूर की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने रिपब्लिक टीवी के संस्थापक को 20 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देते हुए तलब किया है। केरल की मातृभूमि वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CPIM के एक नेता ने केरल के लोगों को कथित तौर पर बेशर्म कहने के लिए गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। CPIM के नेता पी शशि ने पिछले साल सितंबर में गोस्वामी को कानूनी नोटिस देने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। केरल सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE सरकार से मदद की कथित पेशकश स्वीकार किए जाने के बाद गोस्वामी पर केरल के बाढ़ पीड़ितों का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जो गोस्वामी के शो का हिस्सा था। वायरल वीडियो को शेयर कर लोगों ने आरोप लगाया कि अर्णब ने अपने शो में केरल के लोगों को बेशर्म कहा। वीडियो में गोस्वामी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ये ग्रुप बेशर्म है, मैंने इतने बेशर्म भारतीय पहले कभी नहीं देखे, वे चारों तरफ झूठ फैला रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके बदले उन्हें क्या मिला, पता नहीं उन्हें इसके लिए कितने पैसे मिले, क्या उन्हें अपने देश को गाली देने के लिए पैसे मिले, क्या ये भारत को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। गत वर्ष वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मलयाली सह संस्थापक राजीव चंद्रशेखर को #shamelessmalayali के साथ निशाना साधना शुरू कर दिया था। गोस्वामी को लिखे अपने पत्र में शशि ने उन्हें लोगों से माफ़ी मांगने या मुआवजे में 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था। UAE की केरल को 700 करोड़ रुपये की मदद पर चर्चा के लिए गोस्वामी ने अपने डिबेट में एक पैनल बुलाया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के कार्यालय की तरफ से इस मदद के बारे में ट्वीट किया गया था, लेकिन बाद में UAE की तरफ से इस खबर का खंडन कर दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री विजयन अपने दावे पर कायम रहे और इसके लिए एक UAE के मलयाली बिजनेसमैन का हवाला दिया। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च को अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। गोस्वामी द्वारा कथित रूप से सुनंदा पुष्कर मौत मामले में गैरकानूनी तरीके से गोपनीय दस्तावेज चोरी करने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा की गई शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।